Good morning class. Today we are going to discuss about secondary storage devices. आज हम लोग secondary storage devices की चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कंप्यूटर में secondary storage devices की हायरार्की क्या है, किस तरह से secondary storage devices work करते हैं, क्या उसके conditions होते हैं, है ना? Secondary storage devices. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, अब देखिए जरा समझिएगा इसको। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है कि एक ऐसा डिवाइस जो इंटरनल, आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। नेहा इसको सेंड करिए, इसे क्या बोलते हैं? व्हाट वी कैन स्पीक, दिस इज द ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी इसको बोला जाता है ना। बहुत तरह के ऐसे मेमोरीज आते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी हो या फिर आप इसको कह सकते हैं, दो तरह का मेमोरी होता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी आप बोल सकते हैं इसको, एक्सटर्नल मेमोरी इसे भी आप बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। ये सारे चीजें आपके सामने दिख रही हैं। नया सेंड कर दिया आपने, नेहा। चलिए क्लास, तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए, दीज स्टोरेज डिवाइसेज आर आल्सो रेफर्ड टू एज द बैकिंग स्टोरेज। इस तरह का डिवाइसेज को, इस तरह की डिवाइसेज को हम लोग रेफर करते हैं एक बैकिंग स्टोरेज डिवाइस के रूप में, जो कि हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा और परिचर्चाएं की थी इसको अर्लियर। द कंप्यूटर्स मेमोरी इज लिमिटेड इन साइज। कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है? लिमिटेड होता है, किसमें? साइज। बट कंप्यूटर्स मे ऑफन, कंप्यूटर प्रायः जो वर्क करता है किस पे करता है? वास्ट अमाउंट ऑफ एंड बैकिंग स्टोरेज आर यूज टू रिटेन द डेटा ऑन परमानेंट बेसिस। ये क्या काम करता है? आप जितने भी डेटा आपने स्टोर कराया और किया, या जितने भी तरह के स्टोरेज होते हैं, सभी स्टोर करते हैं परमानेंट बेसिस पे। लेकिन आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन ऑन दिस डिवाइस कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिट्राइव्ड स्पीडली टू द सीपीयू। लेकिन आप, वास्तविक स्थिति क्या है? आप इस तरह के डिवाइसेस को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं बहुत ही शीघ्रता से, है ना, जब इसकी जरूरत हो। वेरियस डिवाइसेस प्रोवाइड द एडिशनल स्टोरेज स्पेसेस। बहुत तरह की ऐसी डिवाइसेस हैं जो आप एडिशनल रूप से स्टोर करते हैं, बट वंस सिलेक्टेड विल डिपेंड्स मेनली ऑन हाउ द इंफॉर्मेशन needs to be accessed। बहुत तरह का डिवाइसेज हो सकता है सेकेंडरी डिवाइस में, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन, किसको आप यूज करना चाहते हैं। लेकिन इस डिवाइसेस पे दो तरह की एक्सेसिबिलिटी होती है, एक होता है सीरियल मोड में और दूसरा होता है डायरेक्ट मोड में। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे दो तरह की एक्सेसिबिलिटी परफॉर्म होती है, फर्स्ट और सेकेंड, जिसे आप बोलते हैं, एक होता है आपका सीरियल, अब फिल्म वाला सीरियल मत, धारावाहिक सीरियल मत समझ लीजिएगा, एक है सीरियल, यानी कि आपका सीरियल एक्सेस की बात की जा रही है, सीरियल एक्सेस, ठीक है नेहा। और दूसरा क्या है? डायरेक्ट एक्सेस। कितना तरह की एक्सेसिबिलिटी हो सकती है नेहा, बताइए कितने तरह का एक्सेसिबिलिटी हो सकता है? कौन कौन? एक सीरियल एक्सेस और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस। इसको सेंड कर दीजिए जितेश कुमार। तो दो तरह की एक्सेसिबिलिटी परफॉर्म होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी में, चाहे वो आपका सीरियल एक्सेस हो, चाहे वो आपका वस्तु स्थिति जो आपके सामने दिख रहा है, है ना, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। अब देखिए आगे चलते हैं, नेहा देखिएगा, अगर जितेश सेंड नहीं करेगा तो आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देर से समझते हैं। तो क्या है? सीरियल एक्सेस है और फिर दूसरा डायरेक्ट एक्सेस है, दोनों तरह की एक्सेसिबिलिटी परफॉर्म होती है मेमोरी में, मेमोरी की एक्सेसिबिलिटी।
अब आते हैं पहला जो हमारा स्टोरेज है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टेप। इसके डायग्राम को जरा बहुत गहराई से समझिएगा। मैग्नेटिक टेप है क्या, पहले तो ये जानिए। देखिए, कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक टेप्स आर डिवाइसेस वेरी मच लाइक दोज स्पूल्स यूज्ड इन मेनी ओल्ड टेप रिकॉर्डर्स। डाटा कैन बी रिकॉर्डेड या आउटपुट एज वेल एज रीड इन इनपुट। आप पहले जमाने में या शायद पहले देखे भी होंगे, या कुछ लोग इससे भली भांति परिचित भी होंगे। कोई आदमी इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, अभी तक प्रिंस कुमार आए नहीं हैं, जाए का मैसेज कर दीजिए ताकि वो कंटिन्यू कर पाए। अब देखिए, अब क्या है, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे सेकेंडरी स्टोरेज में। नेहा मैसेज कर दीजिए ताकि प्रिंस कनेक्ट हो पाए। अब देखें, ये मैग्नेटिक डिस्क, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। अब ये मैग्नेटिक डिस्क का डायग्राम को ध्यान से समझिए, ये क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। नेहा, पहले के समय में टेप रिकॉर्डर आप लोग देखते थे, वो रील वाला आता था, सीडी डीवीडी, कभी याद है किसी, कोई देखे हैं, देखे होंगे जितेश, शायद साइकिल में उसको लगा के, साइकिल के रिम में लगा के आप लोग देखते होंगे, गांव में वगैरह बच्चे लोग करते थे। क्या है, जो पहले कैसेट हुआ करता था, क्या होता था पहले, कैसेट, पहले समय में तो आप कैसेट में देखते थे, रील लगा हुआ रहता था, क्या लगा हुआ रहता था, शायद प्रिंस कुमार आ चुके हैं मुझे लग रहा है, जस्ट ए मिनट, ओ आ गए, हाँ। अब देखिए क्या है, ये आपके सामने क्या है, ये रिबन दिख रहा है। तो पहले समय में प्रिंस यादव, पहले के समय में आप कैसेट देखते थे, कैसेट याद है, कैसेट में पहले रील वाला कैसेट आता था ना, नेहा आप देखी हैं जिसमें रील लगा हुआ रहता था कैसेट में, अच्छा ठीक है। तो क्या है, अब उस चीज में ध्यान दीजिएगा, वो कैसेट जो है, जो इसमें रील लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, वह रील एक से दो बार चलता था और उसके बाद वह काम नहीं करता था। तो जितेश जैसे बच्चे क्या करते थे, अपने साइकिल के रिम में लगा लेते थे पहली चीज सीडी कैसेट, या दरवाजे पर एक कोना से लेकर दूसरा कोना तक वो चमचमिया वाला बांध लेते थे। वो क्या था, रील होता था, जो क्या था, एक तरह का मैग्नेटिक टेप था, देखते थे उसको, बड़ा लाइटिंग चमकता था, है ना, शायद आप लोग जो देखे होंगे समझे होंगे, तो गांव में अभी भी शायद आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन कम मिलता होगा, पहले इसकी संख्या ज्यादा था, क्योंकि कैसेट का जमाना था पहले, रील का जमाना था, रील हुआ करता था, और जो रील खराब हो जाता था उसको साइकिल के रिम में या घर के दरवाजे पे एक छड़ से दूसरा छड़, शायद आप भी की होंगी नेहा, याद होगा शायद, है ना, तो क्या था, वो मैग्नेटिक टेप्स ही था। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को देखिए, पहले क्या है, यह पिकअप रिल दिया गया है, दूसरा देखिए, यह रिल दिया गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें आप सीडी कैसेट कौन कौन लोग देखे हैं, जो देखे हैं उस शायद उनको याद होगा, बीच में एक पहिया टाइप का लगा हुआ रहता था, जिसमें कैसेट अगर फंस जाता था तो क्या करते थे, उसको एक लकड़ी से या पेंसिल से या कलम से प्रिंस यादव, उसको आप रील को सही करते थे, ऐसा होता था ना प्रिंस कुमार, देखिए आपके सामने दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, अब देखिए, देखिए
अब देखिए इसमें क्या है, सप्लाई रील, एक रील क्या है नेहा, एक रील क्या है नेहा, एक रील क्या है, बोल क्यों नहीं रही, एक है सप्लाई, सप्लाई रील क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई रील। दूसरा क्या है, पिकअप रील, पिकअप रील। अब पिकअप, हाँ रील, पिकअप में बीच में स्पेस दे दीजिए, पिकअप रील। पिकअप रील है, और फिर क्या है, एक तो सप्लाई हुआ और एक पिकअप हुआ। तो आप देखते होंगे पहले के समय में जो रील पे आधारित कैसेट था ना, वो चलते चलते फंस जाता था। फंस जाने का चेंज मतलब क्या हुआ कि रील चलता था, रुक जाता था, फिर थोड़ी देर चलता था, फिर रुक जाता था। तो ये प्रोसेस चलते रहते थे, कब, जब सप्लाई रील होते थे, पिकअप रील होते थे, तब ये समस्याएं थी। लेकिन इसमें कुछ विभिन्नताएं भी आई, कारण क्या था विभिन्नता, देखिए जानने का प्रयास करेंगे। मैग्नेटिक टेप्स आर डिवाइसेस वेरी मच लाइक दूस स्पूल्स यूज्ड इन मेनी ओल्ड टेप रिकॉर्डर। पहले टेप रिकॉर्डर होता था, आप लोग अपनी मम्मी से, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, ब्लैंक कैसेट लाया जाता था जिसमें आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे, गाना रिकॉर्ड कर सकते थे, है ना, वो सारी चीज़ें ओल्ड टेप रिकॉर्डर्स में होते थे। वेयर डाटा कैन बी रिकॉर्डेड, डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता था, एज वेल एज किस मोड में, एक रिकॉर्डेड किया जाता और वो रीड इन मोड में यानी कि इनपुट मोड में, और यह टेप सामान्यतः 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक चौड़ा था, वाइड, और इसके जो बेस मटेरियल है वो प्लास्टिक का मेटेलिक कोएक्साइड कोटिंग। नेहा आप टेप रिकॉर्डर देखिए, अगल बगल में देखिएगा, पुराना किसी के पास होगा, है ना, तो टेप रिकॉर्डर से शायद आप लोग भली भांति परिचित होंगे। उस टेप रिकॉर्डर का जो चौड़ाई था 2 सेंटीमीटर के आसपास सामान्यतः, उसका जो बेस मटेरियल था क्या था, प्लास्टिक होते थे, यानी कि उसके मेटेलिक कोऑक्साइड का कोटिंग किया हुआ रहता था। कोटिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंस यादव बोलेंगे, यस कोटिंग, प्रिंस यादव, कोटिंग का मीनिंग क्या होता है, मैसेज करने से काम नहीं चलेगा प्रिंस कुमार, कोटिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज करने से मैसेज कहां तक रीड करेंगे, कौन बताएंगे, जितेश कुमार, कोटिंग का मतलब क्या होता है, पता है जितेश कुमार, कोटिंग का मतलब पता है क्या होता है, कोटिंग नहीं मालूम। अच्छा बहुत अच्छी बात है। नेहा आपको नेहा बोल क्यों नहीं रही हैं? नो सर नहीं। जैसे जैसे रोल्ड गोल्ड नेहा बताएंगे, नेहा को जानकारी है, देखिए कैसे बताएंगे, रोल्ड गोल्ड का मतलब समझती हैं? जैसे किसी शादी में जाइएगा ना, तो औरत लोग जो है, लेडीज लोग, सोना नकली पहने रहता है, लेकिन ओरिजिनल सोना थोड़े पहन के कोई चलता है, रोल्ड गोल्ड उसका नाम होता है ना, और उस पर हम बोलते हैं ना कि सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। अब समझ में आया नेहा, बोला जाता है ना कि इस पे सोना का पानी चढ़ाया हुआ है, तो ये पानी चढ़ाया हुआ मतलब क्या हुआ, कोटिंग हुआ, वास्तविक में वो सोना है नहीं, उस गोल्ड पे क्या वो है, पित्तल या हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन उस पर क्या किया सुनार ने, सोने का पानी चढ़ा दिया, और नेहा खरीद ली और शादी वगैरह में चली गई, सबको लगा कि बहुत सोना पहन ले है गर्दन में, है कि नहीं, लेकिन वो सोना थोड़े था, वो तो सोने का पानी चढ़ाया हुआ है यानी कोटिंग किया गया है। तो कोटिंग का मतलब क्या हुआ, चीजें कुछ और ओरिजिनलिटी कुछ और, तो जैसे आप बोलते हैं ना सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, तो सोने का पानी चढ़ाया को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोटिंग किया हुआ है, ठीक उसी तरीके से, लेकिन आपको लगेगा कि ओरिजिनल गोल्ड। और अमूमन लेडीज लोग खास मार्केट में जाते हैं तो रोल्ड गोल्ड सबसे ज्यादा, नेहा जैसे और भी खरीदती होंगी खूब,
रोल्ड गोल्ड बहुत ज्यादा लेडीज लोग ज्यादा खरीदती हैं, और खरीद के पहन लेंगे खूब बड़ा बड़ा गर्दन में, जहां जो अपना नाक में कान में जो जहां पे होता है, और बड़ा मोटा मोटा गोल्ड। अब लगेगा सबको कि नहीं बहुत महंगा सोना पहने हुए, 5-10 लाख का सोना पहने हुए, लेकिन वास्तविकता में तो पता कब चलेगा, जब वो ओरिजिनलिटी होगी तब ना। तो अमूमन कोटिंग का मतलब होता है चीज कुछ और पानी किसी और, यानी कि है पित्तल आ चढ़ा दिया गया पानी सोने का, तो बन गया रोल्ड गोल्ड, जिसको आप लोग कोटिंग बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं सोने का पानी चढ़ाया हुआ है उसको। पता कब चलेगा, जब थोड़ा सा उसको एक नींबू लाके थोड़ा उसको स्लाइड कर दीजिए, फ्रिक्शन कर दीजिए थोड़ा उस पर, तो आपका वो रोल्ड गोल्ड सोना तो बहुत दूर की चीज है, पानी कहाँ जाएगा और पित्तल आपके सामने बन के आ जाएगा, समझ गए ना। तो कोटिंग मतलब क्या हुआ कि चीज किसी और का और पानी किसी और का चढ़ा हुआ, यानी कोटिंग मतलब है कुछ और ऊपर से कुछ और कर दिया गया, था पित्तल अब बना दिया गया सोना, और नेहा गई खरीद ली खूब, कहीं कि हम तो गोल्ड पहने हुए, तो क्या होता है उसको बोलते हैं कोटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया ना कोटिंग का मतलब, कि चीज कुछ और ओरिजिनलिटी कुछ और, था पित्तल ऊपर से चढ़ गया पानी सोने का, तो कोटिंग बन गया है। ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक टेप का भी कंडीशन, यानी कि इसमें मेटेलिक कोएक्साइड का कोटिंग किया जाता है। कोटिंग मतलब क्या हुआ, इसमें मेटेलिक कोएक्साइड का, किसमें, मैग्नेटिक टेप में। आज जो कोटिंग किया जाएगा सिर्फ वन साइड किया जाता है, जैसे आप कैसेट देखते होंगे पहले के, अभी भी डीवीडी सीडी होता है, किन्हीं को पता है, नेहा डीवीडी सीडी देखी है कि नहीं, तो जरूर देखी होंगी। यस, डीवीडी सीडी पता है कि नहीं। देखिए इस डीवीडी सीडी में क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो बहुत ब्राइट होता है, और जितेश जैसे बच्चे क्या करते हैं उसको साइकिल के पहिया में लगाते हैं कि खूब चमके, है ना। तो क्या है, वो डीवीडी सीडी का ऊपर पार्ट क्या होता है, वो प्लास्टिक का कोटेड किया हुआ रहता है, लेकिन नीचे का पार्ट जो रहेगा आप ध्यान दीजिएगा वो बहुत इतना ब्राइट होता है, चमकीला होता है, जो बच्चे लोग लगाते हैं साइकिल में भी जब खराब हो जाता है, तो खराब कब होगा, जब आप गए प्रिंस कुमार गए दुकान, और उनको आज मन किया कि हमको फिल्म देखना है, तो क्या करेंगे, वो डीवीडी सीडी खरीद ली, और डीवीडी सीडी लेके वीसीआर पहले होता था, या आप कंप्यूटर में लगाते थे, डीवीडी रोम सीडी रोम होता था, आपने लगाया तो 2 से 3 बार वो सीडी का फ्रिक्शन इतना घर्षण होता था जिससे जो है वो स्लाइडनेस चली जाती थी, यानी फिर वो डीवीडी और सीडी आपके काम के लायक नहीं होता था। तब जितेश तब प्रिंस क्या करते थे, जब वो खराब हो जाता था तो साइकिल के पहिया में उसको रिम में लगा लेते थे ताकि चमके वो, या मोटरसाइकिल के पहिया में, या ऐसे ही खेलने के लिए यूज कर लेते थे। क्यों, क्योंकि उसका लाइटिंग बहुत ब्राइटनेस होता था। तो ऊपर का पार्ट क्या था, मेटेलिक कोएक्साइड का था, नीचे का पार्ट क्या था, कोटेड किया हुआ था, जो कि 2 से 3 बार सीडी चलने के बाद वो सीडी 10 बार 5 बार चलने के बाद वो सीडी आपके काम का नहीं होता था, है ना। इसको सेंड कर दीजिए डू फास्ट, समझ में आ गया ना कैसे काम कर रहा था रील, कैसे सीडी काम कर रहे हैं, कैसे प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, मेटेलिक कोऑक्साइड कैसे किया गया है, अमूमन आप लोग समझ गए होंगे। इसको सेंड कर दीजिए डू फास्ट, नेहा सेंड कीजिए। अब आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने मंत्र दिख रहा होगा, जो डेटा रिकॉर्डेड करता किया जा रहा था वो आइदर क्या था, 7 ट्रैक मेथड या 9 ट्रैक मेथड पे डेटा को रिकॉर्ड किया जा रहा था। द हेड दैट रीड्स इन और राइट डाटा ऑन टू द टाइप्स इज फिक्स्ड, हेंस एक्सेस टू डाटा इज सिक्वेंशियली व्हिच मेक्स इट स्लोअर देन अ डिस्क, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द ब्लॉक्स। The traditional type of the drive is deposited in the figure. The type runs from a supply to reel to a pick up on the reel via 2 vacuum channels and between a steel of the set of the read or writer heads. The 2 vacuum channels are designed to make a slack acting as a buffer to prevent
the type from sapping or stretching when the starting from the stationary position to slowing down from full speed. The read or writer hits are present either to access information or to place information on the tape. They are signal unit made of one read or write hit of a track. Spite of information being accessed serially, magnetic tape is very widely used. आप समझिए जरा. अब क्या था उसके साथ समस्या क्या था. अब जितेश या गए दुकान तो पहले दो तरह का होता था. सोनी कंपनी का आता था एक डीवीडी. आप ध्यान देंगे प्रिंस कुमार कभी कभी बोल दिया भी कीजिए ताकि समझ रहे हैं कि नहीं. हमको थोड़े पता चलेगा कि आप समझे कि नहीं. डीवीडी आरडब्ल्यू भी होता था है ना. मैसेज करने से नहीं होगा. डीवीडी आरडब्ल्यू या एक होता है डीवीडी आर. अब इस दोनों में अंतर बताएंगे प्रिंस यादव. बताइए सीडी डीवीडी में. अच्छा जितेश कुमार डीवीडी पता है ना. क्यों भी नहीं जानते हैं. डीवीडी देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं. हाँ आप बोलिए जितेश कुमार कि खाली फिल्म देखने के लिए डीवीडी सीडी लाते थे लेकिन पता नहीं है. जितेश कुमार डीवीडी पता है आर डब्ल्यू आर आर. नहीं पता. अच्छा चलिए नेहा बताएंगे. आप लोग ध्यान से सुनिएगा. हाँ नेहा बताइए. नेहा बोल क्यों नहीं रही हैं. क्या होता है बताइए. अभी नहीं पता सर. खाली फिल्म देखने के लिए आई पता नहीं. देखिए यहाँ पे डीवीडी पता है ना क्या होता है. ये डीवीडी है क्या कि जब आप मार्केट में जाते थे तो एक वो डीवीडी होता था जिसमें खाली फिल्म लोड रहता था. आ कोई भी आप लोग जाते थे या बाजार से ले आते थे डीवीडी या जो फिल्म देखना है अपना देखते थे. उस डीवीडी में आप किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते थे. क्या जितेश कुमार किसी तरह का एडिटिंग किया जाता था क्या. आप वो हटाइए ना. आज कैमरा जो शूटिंग होता है वीडियो ये सब जो बनता है आप लोग पता होगा. जो वीडियो बनाते हैं उनसे पता कीजिएगा. उन लोगों को जानकारी होगा इसके बारे में. जो फोटो कैमरा इसे शादी में शूट किया जाता है ना. आप देखिएगा अब तो पेन ड्राइव का जमाना आ गया. अब तो ये तो कंसेप्ट हट गया लेकिन पहले आज भी अगर कोई सीडी देते होंगे तो शायद बता पाएंगे. तो शादी वगैरह में बड़ियाती वगैरह में जो कैमरा मैन होता है वो कैमरा को लेके जो शूट करता है ना शादी का स्टार्टिंग फलदान जो भी एक्टिविटी शादी वगैरह में होता है तो आपको वह सारा चीज ओके करने के बाद आपको एक डीवीडी आर देता है यानी रिकॉर्डेबल देता है. उसमें आप किसी तरह का मॉडिफाई यानी कि एडिटिंग नहीं कर सकते हैं. या आपको कोई फिल्म देखना हो तो आप जो डीवीडी लाते हैं दुकान से वो आपको डीवीडी आर देता है. उसमें किसी भी तरह का एडिटिंग संभव नहीं है. लेकिन यह डीवीडी आर डब्ल्यू मतलब क्या हुआ. रीड और राइट. आप इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं. कॉपी भी कर सकते हैं. पेस्ट भी कर सकते हैं. वो सारी एक्टिविटीज आप डीवीडी आर डब्ल्यू में परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन डीवीडी आर में परफॉर्म नहीं करेंगे. चलिए इसको सेंड कर दीजिए टू फास्ट नेहा. समझ में आया डीवीडी आर क्या होता है आर डब्ल्यू क्या होता है. नेहा बताइए जरा. प्रिंस से पहले पूछते नेहा तब तक आप सेंड कीजिए. हाँ प्रिंस कुमार डीवीडी आर डब्ल्यू और डीवीडी आर में क्या डिफरेंस है. बोलिए प्रिंस यादव. डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू में क्या डिफरेंस हुआ अभी समझाएं. सो क्या समझ में आया बताइए. जितेश आप बताइए डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू में क्या डिफरेंस हुआ. जितेश कुमार बोलिए अभी बताए ना. नेहा आप बताइए डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू में क्या डिफरेंस हुआ. आवाज शायद नहीं मिल पा रही है क्या. नेहा
डीबीटी आर और डीबीटी आर डब्ल्यू में क्या डिफरेंस हुए हैं? अब आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं, छोड़िए हम आगे बढ़ते हैं। अब समझिए नहीं समझिए, अब बीच में क्वेश्चन आंसर अब करेंगे ही नहीं, पूछ बताइएगा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चीजों को समझे कि नहीं समझे। अब आप लोग को आपकी इच्छा पे छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ तक इन सारे चीजों का डिस्कशन किया। अब हम लोग राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मैग्नेटिक डिस्क। इट इज अ डायरेक्ट एक्सेस टू स्टोरेज ऑफ डिवाइस। इट कैन हाउ एवर बी यूज इन द सीरियल मोड ऑल्सो। द डिस्क रिसेम्बल्स एट अ एलपी रिकॉर्ड और डिस्क पैक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ दिस डिस्क सिक्स और मोर माउंटेड अबाउट अ हाफ एन इंच अपार्ट ऑन अ सेंट्रल हब विच रोटेट्स। यानी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं आप स्टोरेज डिवाइस को, जो अलाउ करता है सीरियल मोड आल्सो में, ये रिसेम्बल करता है एलपी रिकॉर्ड्स को। और डिस्क पैक क्या करता है, कंसिडर करता है नंबर ऑफ डिस्क मोड्स को, माउंटेड किया जाता है इंच अपार्ट सेंसर्स में। स्पैनिंग द डिस्क एट अ स्पीड ऑफ 60 और मोर रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 60 और मोर रिवोल्यूशन यहाँ चक्कर लगाता है मैग्नेटिक डिस्क में। एंड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिस्क जस्ट एज अ सीरीज ऑफ द मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट्स। यानी कि जो आप डेटा को स्टोर करते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों से नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए, बस हम रीडिंग करके समझाते हुए चलते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर कर रहे हैं, दोनों साइड स्टोर कर ले रहे हैं, यानी ताकि मैग्नेटाइज किया जा सके और स्पॉट्स को पता भी किया जा सके, है ना। फिर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर ऑन द ट्रैक्स अरेंज्ड इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स विद ईच अ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द पैटर्न ऑफ द वेट्स इन द सीक्वेंस ऑन ट्रैक अलाउ वेरिंग द लेंथ ईच ट्रैक कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देन दोज टुवर्ड्स द सेंटर। क्या है, इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर कर रहे हैं ट्रैक में वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है, जहाँ पे प्रत्येक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, पैटर्न ऑफ बिट्स के द्वारा, जो कि सीक्वेंस ऑन ट्रैक होते हैं। यद्यपि आप वेरीफाइंग करते हैं लेंथ को, प्रत्येक ट्रैक कंटेन करता है, रखता है सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो कि सेंटर के अकॉर्डिंग है। और प्रत्येक ट्रैक नॉर्मली सब डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, एंड इस ट्रैक इज नॉर्मली सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस्ड बाय द ट्रैक एंड सेक्टर एड्रेस। प्रत्येक ट्रैक जो है समानता सब डिवाइडेड होता है सेक्टर में और इंफॉर्मेशन में, जिसको आप एक्सेस करते हैं ट्रैक और सेक्टर एड्रेस से। द डायमीटर ऑफ दिस स्टैंडर्ड साइज इज 14 इंच। दे आर मेड अप सेवरल हंड्रेड ट्रैक्स फॉर अ सरफेस दैट द स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 20 MB टू 1000 MB। जो डायमीटर यानी इसकी जो व्यास यानी त्रिज्या जो इसकी रहती है किसका, मैग्नेटिक जिसका, वह मूलतः सामान्यतः 14 इंच होता है, 14 इंच होते हैं। और ये बहुत सारे ट्रैक्स को पर सरफेस पे स्टोर करता है। इसकी डाटा कैपेसिटी स्टोर करने की क्षमता है 20 MB से 1000 MB तक। और इसकी जनरली इसको जो आप प्लैनेट को फिक्स पोजिशन करते हैं दो तरह से, फर्स्ट होता है आपका मूविंग हेड जो आपको डायग्राम में दिख भी रहेगा, एक होता है आपका फिक्स्ड यूनिट, फिक्स्ड हेड यूनिट, ठीक है। अब इन द मूविंग हेड्स में क्या होता है, इन द मूविंग हेड द हेड मूव्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द ट्रैक एंड विजुअली देयर इज अ हेड फॉर द ईच सरफेस ऑन द हेड मूव्स इन द यूनिसन। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ट्रैक एंड एक्सेस सिमल्टेनियसली। रिप्लेसेबल डिस्क पैक्स आर एसोसिएटेड ओनली विद द मूविंग हेड्स यूनिट्स। क्या होता है, इसमें जो आप मूव कराते हैं ट्रैक्स को हॉरिजॉन्टली, जो आप क्रॉस कराते हैं, सभी हेड क्या होता है आपका होल्ड होता है ट्रैक्स पे, स्टोर करता है एक्सेसली, इसको आप सिमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं डिस्क पैक्स को, मूविंग हेड यूनिट से प्लेस किया जाता है। इन केस ऑफ द फिक्स्ड हेड यूनिट देयर इज वन रेड और राइट हेड फॉर ट्रैक आर रिजल्टिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द हेड एंड इन्फॉर्मेशन इज देयरफॉर ट्रेस्ड मोर क्विकली। द हेड्स डो नॉट मेक एनी कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एंड ओनली द रेस्ट ऑन द कंसिजन द पार्टिकल्स एक्सेट्रा। इट कुड बी सीरियस प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन द फिजिकल डैमेजेस एज वेल एज डेटा करप्शंस। अगर डेटा करप्ट हो जाए, डेटा समाप्त हो जाए या डैमेज हो जाए फिजिकली, आपका सीरी खराब हो जाएगा, तो क्या होता था, डाटा आपका चला जाता था। एक सबसे बड़ी समस्या इसके साथ थी, किसके साथ, मैग्नेटिक डिस्क के साथ, ठीक है। तो क्लास आप लोगों ने इसको भी समझ लिया, इसके डायग्राम को आप लोगों ने देख लिया। देखिए यहाँ पे ट्रैक सेक्टर बचा हुआ है, हर का सेक्टर बना हुआ है, ट्रैक कंसेंट्रिक सर्कल्स में बना हुआ है, ये पार्टीशन हुआ है ना यहाँ पे, अलग अलग जो आप कंसेंट्रिक सर्कल देख रहे हैं, अलग अलग पार्टीशन पे किया हुआ है, सेंट्रल स्पैंडल रिवॉल्विंग होते हैं जहाँ जहाँ पे आप मूव किया जाता है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पूछ लीजिए, और नहीं तो बस ऐसे ही सुनते रहेंगे तो आपकी इच्छा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछ लीजिए, पूछने में शर्म और संकोच कैसी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो आपको ट्रैक दिख रहा है ये स्पैंडल्स का ट्रैक है, यहाँ पे लाइक दिस,
एक स्पैंडल किया गया, दो स्पैंडल्स किए गए, थ्री स्पैंडल्स हैं, लाइक दिस सेंट्रल स्पैंडल्स है, हर का एक स्पैंडल किया गया, हर ट्रैक और क्लियरिंग किया गया, कंसेंट्रिक सर्कल्स किए गए, नया इसको सेंड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती है एडसेट्रस में, जहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। ठीक है, सेंड कीजिए, डू फास्ट। अब क्या है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने वेरियस क्रॉस सेक्शंस ऑफ रेड राइट हेड्स यूजिंग फॉर मैग्नेटिक डिप टैक्स, जो आपके सामने दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे एक्सेस का टाइम हो, एक्सेस आर्म्स टाइम हो, आर्म्स मूवमेंट हो, मूविंग हेड, डिस्क सर्फेस, रेड राइट हेड्स वन पर सर्फेस होता है, सेंट्रल स्पैंडल्स होते हैं, फिक्स हेड होते हैं, रेड राइट हेड्स होता है वन पर ट्रैक्स, इसको हम लोग एक्सेसिबिलिटी भी करते हैं ना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए क्या है, एक्सेस टाइम एंड सीट टाइम एक फॉर्मूला होता है कि आखिर कब हम इसे निकाल सकते हैं। तो एक्सेस टाइम इज इक्वल टू होता है सीट टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी टाइम। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिकल रूप से क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, लिख सकते हैं एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम इज इक्वल टू एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी टाइम। ओके क्लास, ये चीज आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी, रोटेशनल लेटेंसी टाइम। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको कभी कभी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको दे दिया जाए तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए, इसको बनाइए, उस समय समस्या और ज्यादा विकट हो जाती है। एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सिक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी टाइम। अगर मान लीजिए मुझे सिक टाइम निकालना हो, अगर सिक टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि सिक टाइम इज इक्वल टू एक्सेस टाइम माइनस रोटेशनल लेटेंसी टाइम। अगर रोटेशनल लेटेंसी टाइम निकालना होगा तो एक्सेस टाइम माइनस सिक टाइम, ये दोनों फॉर्मूलाज इस पे आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इधर से उधर वैल्यू चेंज हो जाते हैं, उस चीज के बारे में। यानी कि आप इस तरीके से अगर एक्सेस टाइम निकालना चाहते हैं या सिक टाइम निकालना चाहते हैं, कहाँ पे, मैग्नेटिक डिस्क पे, तो आप अपितु इस फॉर्मूला को यूज करके मैथमेटिकली आप एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सिक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी, यानी सिक टाइम इज इक्वल टू एक्सेस टाइम माइनस रोटेशनल लेटेंसी, और फिर रोटेशनल लेटेंसी इज इक्वल टू एक्सेस टाइम माइनस सिक टाइम, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क, जो आपके सामने आ गया। द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिस्क स्टोरेज सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द विंचेस्टर टेक्नोलॉजी इज दैट सीडी का क्या मतलब है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रेड ओनली मेमोरी, कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। देयर आर दिस आर द अर्ली डिस्क बट द इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी जस्ट सिग्निफिकेंट फॉर सीडीरोम इज एबल टू प्रोवाइड इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी फॉर यूज विद ऑल द मैनर्स of the system from the huge mainframes to small decks of systems. A single silvery plastic disk or is more a commonly called no more than 4.7.2 in. यानी कि ऑप्टिकल डिस्क जो कुछ देर पहले आप लोगों से चर्चाएं भी की थी, सीडी रोम, डीवीडी के साथ साथ एक सीडी रोम भी, सीडी भी हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम भी होता है, सीडी रैम भी होता है, ये सारे जैसे डीवीडी रोम है, डीवीडी रैम है, डिस्क वर्सटाइल डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से सीडी का भी कॉन्सेप्ट हुआ था। इसके सिंगल सिल्वरली प्लास्टिक डिस्क यूज किया जाते थे, कोटेड हुआ करता था सिल्वरली प्लास्टिक डिस्क से, ताकि कुछ चीज लाइटिंग करे एक से अधिक। अरे कि सीडी और डीवीडी में अंतर क्या हुआ, साइज बढ़ गई। सीडी का एक्सपेंस 600 MB तक डेटा को स्टोर कर सकता था, that means this is the equivalent to 1000 or more floppy disks or approximately 2 lakhs. This is for the test of CD-ROM uses the same metal coated plastic hairless disks as used for the digital audio recording. The digital information is burnt on the same base or laser. The playing surface is coated with the thin film of the aluminium and this reflects
The scanning laser beam of the CD-ROM player, a layer of the clear resin of the cover on the aluminum protection of the CD-ROM player is essential as an audio compact disc player. As implied, information stored in CD-ROM can be reached only, it cannot be modified. CD-ROM is potentially useful for application in which there is a database of information, which is useful as it stands and does not changing in any way on over a reasonable period of the time, that is telephone directory. यानी कि जो सीडी रोम था उसकी कैपेसिटी क्या थी, 600 एमबी तक ही डेटा को होल्ड कर सकता था, पहली बात। दूसरी बात क्या था, इसका मेटल कोटेड हुआ करता था, प्लास्टिक प्लेटर्स लगे हुए रहते थे, आप रिकॉर्डिंग तो कर सकते थे लेकिन लिमिटेशन था, एक से दो बार सीडी को यूज कर सकते थे, दो से तीन बार कर सकते, लेकिन पांच बार दो थ्री टाइम्स के बाद वो सीडी आपका कोई काम का नहीं हो करता था, जिसको आप लोग क्या करते थे, खेलने के लिए उसको यूज कर लेते थे सीडी को, ना वही चीज है कि उसके कोटेड जो फिल्म एल्युमिनियम कोटेड जो किए रहते थे वह दो से तीन बार या चार बार सीडी चलता था, वो घिस घिस कर यानी फ्रिक्शन होकर चलने के कारण वो सीडी की कैपेसिटी समाप्त हो जाती थी और फिर सीडी मूवेबल नहीं था, वही चीज के बारे में चर्चा है। फोर्थ हम लोग का है विंचेस्टर डिस्क, इट इज हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इन विच रीड और राइट, जो कि हम लोग का विंचेस्टर डिस्क है, इसको भी जरा ध्यान देंगे। इट इज हर्मेटिकली sealed unit in which read or write weights are designed to take off of and land on the disk. Just a minute. Land on the disk surface. This is coated with a special lubricant mainly to reduce the frictions, the heat, land, and the sealed chamber prevent dust and other airborne particles to contaminate surfaces. The technology enables a greater precision of the alignment and increase in the number of tracks on the surfaces and higher density per track. The disks are highly reliable, accessible, fast, and low priced compared with a conventional hard disk devices. The disk being sealed prevent maintenance is not required. A standard size are 51 divided by 4 inches, 8 inches and 14 inches disk. यानी क्या है कि जो विंचेस्टर डिस्क होता था वो क्या था, उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते थे, आप आसानी से उसकी कोटेड की हुई रहती थी, और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण तो तब है कि आप नंबर ट्रैक्स बार बार प्ले कीजिए लेकिन उसको खराब होने का चांसेस कम होता था, यानी कि उसमें क्या थोड़ी सी रिडेबिलिटी बढ़ी, विश्वसनीयता उसकी ओर बढ़ी, और कह सकते हैं कि इसका प्राइस लो भी एक सबसे बड़ा कारण था, लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ। प्राइस ही हर चीज के लिए नहीं ना है, दाम कम है तो थोड़े मतलब है कि आपका पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट आया फ्लॉपी डिस्क का, यानी दैट इज फ्लॉपी डिस्क आर आल्सो कॉल्ड अ फिल फ्लेक्सिबल डिस्क और डिस्केट्स आर थिन प्लास्टिक डिस्क ऑन व्हिच कंप्यूटर डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड, दे लुक लाइक 45.5 ppm रिकॉर्ड पर मिनट, रिकॉर्डेड आर द लाइटली कोटेड विद द फ्रेजाइल, दे आर आइदर सिंगल साइडेड एसएस व्हिच मींस दैट यू कैन रिकॉर्ड ओनली वन side or double of the data that can be recorded on the disk of floppy is contains in a variety of the sizes. यानी फ्लॉपी डिस्क क्या कहलाता है आपका, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, फ्लेक्सिबल डिस्क, या डिस्क को डिस्केट कहिए, क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है, प्लास्टिक कोटेड होता है डिस्क का, जिसे आप डाटा प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। यह कैसे लुक लाइक दिखता है, 45 वर्ड पर मिनट, आरपीएम का मीनिंग क्या हुआ, रिकॉर्ड पर मिनट होते हैं, ओके क्लास, यानी पर मिनट में इतने वर्ड्स को यह रिकॉर्ड करता है। लाइटली कोटेड फ्राइट होता है, आप सिंगल साइडेड होते हैं, स्ट्रांग होता है, वन साइडेड डबल साइडेड भी आते हैं, ताकि आप लोग फ्लॉपी डिस्क नहीं देखे होंगे लेकिन अगर आपको देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा, फ्लॉपी डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के समय में। आप कह सकते हैं कि 2000 के आसपास 97 शायद आप लोगों के जन्म से 5 साल पहले भी क्या था कि जन्म से पहले आप लोगों का फ्लॉपी डिस्क आ चुका था, मार्केट में डिमांडेबल थे, 51.5 inches डायमीटर थे, काफी ज्यादा रियलिस्टिक था, इसमें डाटा टेम्पर्स नहीं हो सकते थे, डाटा को कोई टेम्पर नहीं कर पाता था, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम क्या था कि अभी भी ये ज़्यादा डाटा को स्टोर कर ही नहीं पा रहा था, अभी भी समस्याएं थी। फिर आगे बढ़ा, फिर देन वी कैन से एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये फ्लॉपी डिस्क है कि रिवाइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फ्लॉपी इज प्रैक्टिकली इंस्टेंट, फ्लॉपीज आर हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, the more all the floppies and the more amount of the data on a store, they are easy to transport and not in the latest bit bulky. Disadvantage kya tha, pehle advantage ka matlab samajh lijiye, ye information ko aap aasani se prapt kar sakte the floppy disk mein, aap capacity bhi aasani se copy paste kar sakte the, ek se adhik bar copy paste kar sakte the, lekin disadvantage to hai
क्या था, पॉपीज आर वेरी डेलिकेट, टेस्ट शुड बी हैंडल्ड विद केयर, देयरफॉर वन हैज टू केयरफुल नॉट टू बी बेन देम, नॉट टू कीप इन द प्लेस वेयर दे मे गेट मैग्नेटिक स्टैंड्स टू सी दैट दे आर डस्ट फ्री, इफ द प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन देयर इज अ लाइक्लीहुड टू दैट सम ऑफ द ट्रैक्स विल बी करप्टेड एंड यू माइट हैव टू फॉर्म इट टू फ्लॉपी ऑल ओवर द अगेन. A recent almost revolutionary discoveries now makes it possible to very fine coating of the chemicals known as a telephone on the floppies. These floppies are very happy of the strength test without the corruption the data. इसके साथ सबसे बड़ा disadvantage क्या है कि delicate हो गया. सबसे बड़ी बात क्या थी, इसको handle करना tough था. सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसको use पर आप आसानी से use नहीं कर सकते थे. ये सारी चीजें इसके साथ घटना घटित हुई floppy disk के कारण. ठीक है, तो क्लास आज हम लोगों का 102 यूनिट 2 समाप्त हो गया. आप लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा, इसका मतलब आप लोगों का डाउट क्लियर है, कुछ क्वेश्चंस नहीं है. अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम असाइनमेंट लिख रहे हैं. हाँ, अब देखिए क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क, इसको हम क्वेश्चंस लेते हैं. एक्सप्लेन, ये असाइनमेंट बनके कंप्लीट हो जाने चाहिए. ओके क्लास, एक्सप्लेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. Explain secondary storage device. Explain the magnetic tapes. Explain the magnetic tapes with example. Question number 2. Question number 3. Magnetic disk. Optical disk, optical disk, Winchester disk, Winchester. Winchester disk. फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क. एक्सप्लेन फ्लॉपी डिस्क. Winchester disk, explain the floppy disk. Explain the advantages and disadvantage of floppy disk. फ्लॉपी समझ लीजिएगा. एक्सप्लेन द
explain the access time difference, explain the access time and so on. Explain the access time, explain the access time and check time with example. Okay, class? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, actually 8. Question number 9, तक question है, एक थोड़ा repeat हो गया, उसको सही करते हैं. Sick time access है, एक फिर. Explain the advantage and disadvantage of magnetic. Explain the advantage and disadvantage of magnetic. ठीक है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक. एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक. टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए नेहा? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? Nine. हाँ, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको सेंड कीजिए. ये टोटल क्वेश्चन बना के आप लोगों को 2 बजे तक सबमिट करना है. ठीक है, समझ में आया क्या होगा? आज हम लोगों का यूनिट पहले इसको सेंड कर दीजिए, फिर देखते हैं कितना यूनिट कंप्लीट हुआ. कर दिए सर. वेरी गुड. तो क्या है, आज टुडे क्लास वी हैव कंप्लीटेड द VCA 102 यूनिट 3, हम लोग आज कंप्लीट हो गया. ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. अभी फिर से 5 मिनट्स के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स आपका जो टाइमिंग 8 to 9 वाला जो शेड्यूल है उस पर आप लोग लॉग इन करेंगे और टीचमेंट पे आ जाएंगे, फिर वहाँ से मैं लॉग इन करके आप लोगों को 5 मिनट्स के अंदर प्रोग्रामिंग का क्लास शुरू करता हूँ. ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.